बक्सर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 25। हालांकि एक रिकवरी भी हुई है और कुल मिलाकर अब बक्सर जिले में 24 एक्टिव पेशेंट्स हैं। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डुमराओं जो कि कंटोनमेंट एरिया के बिल्कुल करीब है, जिस गांव में सबसे ज़्यादा संक्रमण बक्सर ज़िले में देखे गए हैं, वहाँ से डुमराओं की दूरी काफ़ी कम है। इसको देखते हुए डुमराओं को पूरी तरीके से सील भी किया गया है। बहुत सारे लोग, जब डुमराओं सील होने लगा तो लोगों के अंदर एक अफवाह भी उड़ा कि डुमराओं में कोई पॉजिटिव केस पाया गया है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा कोई भी अफवाह ना फैलाएं, ना ऐसे अफवाह पर विश्वास करें, उन्हीं न्यूज़ पर विश्वास करें जो बक्सर एडमिनिस्ट्रेशन आपको जारी करता है। तो आइए आज चलकर देखते हैं कि डुमराओं और ज़िला प्रशासन ने मिलकर डुमराओं को किस प्रकार से सील किया है, हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। आइए उसका मुआयना। डुमराओं स्टेशन का वो इलाका जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि कितना ज़्यादा पॉपुलस हुआ करता था जब ये लॉकडाउन नहीं था, यहाँ से जो कंटोनमेंट एरिया की दूरी है वो बहुत ही कम है। तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी अगर हम यहाँ से मान लेते हैं तो मात्र 3 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर वो इलाका है जो काफ़ी ज़्यादा संक्रमण का शिकार है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अभी आप स्टेशन परिसर की तमाम ये दुकानें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बंद करके रखा गया है। ये जो सीढ़ी तक जो लगा है जो कि ओवर ब्रिज काम करता था लोगों को इस पार से उस पार ले जाने के लिए, इसको भी सील किया जा चुका है। जो भी दुकानें हैं इधर इस स्टेशन परिसर पर वो पूरी तरीके से बंद है, आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छोड़कर। और वहाँ पर भी लोगों से एहतियात के तौर पर ये कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। इसी प्रकार से अगर हम नगर में प्रवेश करते हैं, अगर हम नगर में जाते हैं तो नगर का हरिजीत कहाता का इलाका या फिर चिकटोली या फिर गडेरी टोला, शहीद गेट की तरफ कलावती कॉम्प्लेक्स के रास्ते से जाने वाला रास्ता, यह हर रास्ते को लगभग सील किया जा चुका है। ये बताने के लिए पर्याप्त है बक्सर ज़िला प्रशासन के द्वारा कि हम सभी लोग संक्रमण एरिया के बिल्कुल नज़दीक है और ये बहुत ही तेज़ी से ये संक्रमण आगे की ओर बढ़ता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सभी नगरवासियों को अपने स्वास्थ्य के लिए भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और कहीं हमारा बिहार बहुत ही ज़्यादा संक्रमित ना हो जाए। इसके लिए हम सभी को अपने माध्यम से प्रयास करना होगा और अपने अपने नगर, अपने अपने गाँव को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रखना होगा। इसी के लिए बक्सर प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। उन जगहों पर जहां पर सब्जी वगैरह खरीदने की व्यवस्था की गई है वहां पर छूट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अपनी नैतिकता, अपनी मानवीयता ये कहती है कि वहां पर भी आप छूट उसी प्रकार से इस्तेमाल करें, केवल खरीदने के लिए, न कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए। ऐसे जगहों पर भी आप पूरा ख्याल रखें और अपने स्वास्थ्य, अपनी जान अपने हाथ। यह हमेशा नगरवासियों के दिलो दिमाग में अभी एक सवाल चल रहा है कि जिस प्रकार से डुमराओं के हर एक गली को, हर एक मोड़ को सील किया जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के मस्तिष्क में एक सवाल चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम सभी को ये समझना होगा कि डुमराओं और वो संक्रमित इलाका जो नया भोजपुर है, अगर दूरी की माप करें तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि कंटोनमेंट एरिया संक्रमित इलाके से डुमराओं की दूरी बहुत ही कम है। तो ये निश्चित है कि संक्रमित इलाके के बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट कर रहे होंगे, आए होंगे, व्यापारिक उद्देश्य से आए होंगे, किसी से मिलने आए होंगे। और ये एक ऐसी संक्रमित कर देने वाली बीमारी है कि अगर कोई संक्रमण वाला व्यक्ति विजिट भी कर लेता है किसी जगह पर तो वहाँ पर संक्रमण की आशंकाएं और ख़तरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए डुमराओं प्रशासन और बक्सर ज़िला प्रशासन ने यह डिसीज़न किया है कि हम लोगों को सुरक्षित रखे, हमें कोरोना मुक्त करे, इस वजह से अभी सारे के सारे इलाके को सील किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में और भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए जा सकते हैं। अभी आप डुमराओं बाज़ार में चले जाइए, सब्जी मंडी में चले जाइए, जहां पर हज़ारों की भीड़ रोज़ इकट्ठा हो रही थी, वहां पर जो क्राउड आ रहा था, बाहर के बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो संक्रमण का ख़तरा बढ़ रहा था। अगर हम राजगोला की बात करें तो वहां पर अनाज की खरीद बिक्री करने के लिए हज़ारों की तादाद में रोज़ व्यापारियों का आवागमन लगा रहता था। हालांकि अभी भी अनाज गोले को पूरी तरीके से बंद नहीं करके रखा गया है, सुबह के समय में लोग खरीद बिक्री कर सके, अपने ज़रूरत के सामान को खरीद सके, इसके लिए बहुत हद तक छूट भी दी गई है वहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद अन्य समय में जहाँ बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है उस समय तक के लिए उसको बंद करके रखा गया है। और आने वाले समय में और भी कदम उठाए जाने हैं। तो हम डुमराव नगरवासियों को ये ज़रूर अलर्ट रहने के लिए है कि बक्सर ज़िला प्रशासन जो भी अभी कदम उठा रहे हैं वो हमारे लिए उठा रहे हैं।